हेलो हेलो, कैसे हैं सब लोग? कैसी चल रही हो पढ़ाई? ठीक है सब कुछ? हाँ सर, सब कुछ ठीक है। हम पढ़ाई कर रहे हैं। आपका एप्लीकेशन डाउनलोड किया है, उसमें कोर्स हमने एक्सेस किया है, सब्सक्राइब किया है कोर्स को, और हम जैसे आप बोल रहे हैं वैसे पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैंने सोचा यार, ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जो जिसको लगा यार फीस तो बहुत कम है लेकिन मेरे लिए ये फीस ज्यादा है। बराबर हो सकता है ऐसा जिसको हमने फीस रखा था आई थिंक 950 रुपीज, 950 रुपये, तो काफी कम फीस है। आप जानते हो मार्केट स्टैंडर्ड क्या फीस है, उसके हिसाब आप खुद जानते हो, मैं नहीं बताऊंगा, कम है ज्यादा है आप जानते हो। फिर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका फाइनेंशियल कंडीशन मतलब ठीक ठाक नहीं, उनको लग रहा होगा कि 950 भी बहुत ज्यादा है, मेरे लिए ज्यादा है ऐसा उनको लग रहा होगा। बराबर कुछ के लिए कुछ नहीं होगा। तो मैंने सोचा एग्जाम नजदीक आया है, 12 दिन बचा है, तो ज्यादा लेट ना हो, 12 दिन तो कम से कम उनको पढ़ाई के लिए, और 12 दिन काफी है। अगर आप कोर्स अभी लेते हो, वीडियो देखते ही आप कोर्स लेते हो, 12 दिन प्रिपरेशन करते हो, तो बहुत है, 12 दिन में आप टॉप कर सकते हो। जैसा मैंने उसमें कोर्स में बोला है, हर एक लफ्ज आपको फॉलो करना है, बराबर उसी तरीके से पढ़ाई करना है, बराबर तो पॉसिबल है। और दिन भर नहीं, एक टाइम टेबल सेट करो और करो। तो कोर्स के बारे में बताता हूँ, वही कोर्स है। आप जाइए, आप जैसे ही एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं आपको कोर्स दिखेगा, अप्लाइड मैथमेटिक्स का एक ही कोर्स है फिलहाल, बराबर। तो आपको कोर्स परचेस करते वक्त ये कूपन कोड अप्लाई करना है, कौन सा? खराब 90, मतलब 90% डिस्काउंट है आपके। तो ये अपॉर्चुनिटी लूज मत करना, जिन लोगों को लगता है मेरा पढ़ाई नहीं हुआ है, बराबर मुझे और करना है, मुझे टॉप करना है, मुझे पास होना है, कुछ भी कंडीशन है आपका, आप होशियार हो, आप मीडियम हो, आप बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, बराबर कोई किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट हो, सबके लिए है ये। तो यहां पर जो 90% डिस्काउंट फॉर फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स, पहले 500 स्टूडेंट्स, उनके लिए जो पहले 500 स्टूडेंट्स आएंगे उनके लिए ये कोड एप्लीकेबल होगा। जैसे ही 500 स्टूडेंट्स हो जाते हैं तो ये कोड ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, मतलब वहां से डीएक्टिवेट हो जाएगा ये कोड, ठीक है। तो 500 स्टूडेंट्स के लिए ये पहले मैंने रखा है, तो मेरी तरफ से ये गिफ्ट समझो। बराबर आप जानते हो कोर्स किस तरीके का है, कैसा कॉन्टेंट है, किस तरीके का मैंने डिजाइन किया है, आप जानते हैं। बराबर तो कोर्स के सामने मतलब मैंने कोर्स को ध्यान में रख के नहीं, मैंने बच्चों को ध्यान में रख के ये किया है। तो अभी के लिए आपका कोर्स का फीस है, वहां पर जाके पता चलो 90% आपको डिस्काउंट है, तो जितना पहले था उसका आधा फी और हो गया, आधा मैंने 950 का भी आधा, आप कैलकुलेशन करो। तो कोर्स परचेस करो, बाद में पछतावा नहीं चाहिए, अभी जाओ परचेस करो, और अभी के लिए अभी के अभी पढ़ाई चालू करो। और दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट, अरे आप जानते हो क्या बोलो, सबसे सिंपल तरीके से पढ़ाया हुआ है, मैं पहले से पढ़ाता हूँ, आप जानते हो मैंने सब कुछ अपना पहला जो मैथमेटिक्स के सारा फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब पे, और वो यूट्यूब पे देख के बच्चों ने आउट ऑफ मार्क लिए हैं। 50 के ऊपर बच्चे हैं जिन्होंने मुझे बोला है सर हमें 70 out of 70 मार्क मिले हैं सिर्फ आपके यूट्यूब कोर्स की देख, जो कि फ्रीली अवेलेबल है, बेसिक मैथमेटिक्स M1 की बात कर रहा हूँ, आप जानते हो। बराबर सैकड़ों मैसेजेस आए हैं बच्चों के जिन्होंने 70 में से अबाउ 60 मार्क्स लिए हैं सिर्फ वीडियोस देख के यूट्यूब पे। तो आप सब कुछ मेरे बारे में जानते हो, मेरे पढ़ाने के तरीके में जानते हो, सब कुछ जानते हो, तो वो उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। बराबर यू नो इट, मुझसे खुद से ज्यादा आप मुझे जानते हो, ठीक है। हाँ सर, 70 में से आपकी कैपेसिटी है 70 में से 70 लाने की, और आपको मिल गए 50 मार्क, फिर भी आप फेल हो, आप उस पे तो पास हो गए, इस पे आपके मार्कशीट पे तो पास हो गए, लेकिन आपकी कैपेसिटी पूरी यूज नहीं हुई। रिमेंबर दिस, आपको जितनी आपकी कैपेसिटी है उससे कम मार्क मिलते हैं ना तो भी आप एक तरीके से फेल होते हो। जिस वक्त जो सबसे होशियार इंसान कौन होता है, सबसे होशियार स्टूडेंट कौन होता है, जो जानता है कौन से वक्त पे मुझे क्या करना है, मुझे टाइम पास करना है ना, टाइम पास के वक्त पे, टाइम पास जब वक्त होगा तब मैं टाइम पास ही करूंगा। टाइम पास मतलब क्या, मैंने मूवी देख लिया, मैं खेलने चला गया,
अभी मेरा एग्जाम का दौर है, अभी एक महीना, जब तक मेरा एग्जाम खत्म नहीं, 15 दिन हो, एक महीना हो, सिर्फ मैं पढ़ाई करूंगा, और उसके बाद जैसे ही एग्जाम मेरा अच्छा जाता है, पढ़ाई करूंगा तो अच्छा तो जाएगा ही, तो उसके बाद मैं फिर से एंजॉय करूंगा फिर अगले एग्जाम तक। तो जिस वक्त जो करना है वही करो, मैं ये नहीं बोल रहा सिर्फ पढ़ाई करते रहो, सिर्फ ये नहीं, सब कुछ करना है, लेकिन हर एक चीज का वक्त होता है। तो ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन, बधाई देता हूं सबको, और सारे के सारे पास होंगे, फेल कोई नहीं होगा, जो टॉप करता है, जिसका कैपेसिटी जिसको करना है वो टॉप भी करेगा, 90% के ऊपर भी लेके आएगा, जिसको पास होना है वो पास भी होगा, लेकिन फेल कोई नहीं होगा। तो मिलते हैं फिर से एक और वीडियो में।